बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एमसीक्यूज़ डिस्कशन ऑफ लेविंसन। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम पैथोजेनेसिस वाले चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को आपने नहीं छोड़ना। ओके, तो सबसे पहला एमसीक्यू है, हैंड वॉशिंग इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंटरप्टिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। तो इन्फेक्शन कौन सा बैक्टीरिया होता है जो हैंड वॉशिंग से इंटरप्ट हो जाता है? तो हम चलते हैं ट्रांसमिशन वाले टॉपिक की तरफ। ये बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन है। ओके, जो ट्रांसमिशन होती है वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकती है और नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकती है। ओके, और इसके अलावा वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकती है या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं भी हो सकती, या फिर ट्रांसप्लेसेंटल होती है या ब्लड बॉर्न होती है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर गनोरिया की एग्जांपल है, लाइक इंटीमेट कॉन्टैक्ट होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है या बर्थ कैनाल से पास करता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आती एग्जांपल जो वो डिजेंट्री है, ये फीकल ओरल रूट से होता है, लाइक कोई जो इन्फेक्शियस माइक्रोब है फीसेस के अंदर एक्सक्रीट हुआ, फिर हमने फूड या वाटर को इंजेस्ट कर लिया। ट्रांसप्लेसेंटल के अंदर एग्जांपल आते हैं कॉन्जेनिटल साइफिलिस की। तो कॉन्जेनिटल साइफिलिस होता है, ये बैक्टीरिया प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है और फीटस को इन्फेक्ट करता है। ब्लड बोन के अंदर हेपेटाइटिस भी है। अगर कोई ट्रांसफ्यूज ब्लड दिया है या इंट्रावीनस ड्रग यूजर है, वो बैक्टीरिया वायरस को ट्रांसमिट करा सकता होता है। नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन है, तो इसमें सॉइल सोर्स, वाटर सोर्स, एनिमल सोर्स और फोमाइट सोर्स। ओके, तो जो सॉइल सोर्सेज में टैटनस है, वाटर सोर्स के अंदर ल्यूटेनेयर्स डिजीज है, जबकि एनिमल सोर्स के अंदर डायरेक्टली है तो वो कैट स्क्रैच फीवर होता है, बैक्टीरिया कैट स्क्रैच के अंदर, या इंसेक्ट वैक्टर से है तो उसके अंदर एग्जांपल लाइम डिजीज की है जो टिक बाइट से आता है, या एनिमल एक्सक्रीटा का है तो इसमें एग्जाम्पल आती है हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो E. coli 157H17 इससे होता है। ठीक है, जो अंडरकुक हैमबर्गर है उसके इंजेक्शन की वजह से होता है। फोमाइट सोर्स के अंदर स्टाफिलोकोकल स्किन इन्फेक्शन है। ठीक है, ओके, तो हेडिंग बेशक तैयार कर लो, ह्यूमन टू ह्यूमन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ट्रांसप्लेसेंटल और ब्लड बॉर्न है, जबकि नॉन ह्यूमन में सॉइल सोर्स है, वाटर सोर्स, एनिमल सोर्स और फोमाइट सोर्स होते हैं। जो एनिमल सोर्स होते हैं डायरेक्टली वाया इंसेक्ट वैक्टर और वाया एनिमल एक्सक्रीटा। जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है मदर टू द ऑफस्प्रिंग है, तो वो ट्रांसप्लेसेंटल हो सकती है या बर्थ किनाल के अंदर या एट द टाइम ऑफ बर्थ है या ब्रेस्ट मिल्क है। तो ट्रांसप्लेसेंटल के अंदर एग्जांपल आपने कौन कौन सी याद करनी है बैक्टीरिया के अंदर? अच्छा, जो पैरासाइटस में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी है। ठीक है, ओके, जबकि यहाँ पर जो बर्थ किनाल के टाइम पर जो ट्रांसमिट होगा उसमें एग्जाम्पल है कैंडिडा फंजाई में। ठीक हो गया, बाकी बैक्टीरिया में ब्रेस्ट मिल्क में स्टाफिलोकोकस ओरियस है, ट्रांसप्लेसेंटल में ट्रिपोनिमा पैलिडम है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन है। ओके, विद इन द बर्थ किनाल है तो उसमें स्टाफिलोकोकस एगलैक्टाई है जो कि ग्रुप बी स्टाफिलोकोकस होता है, ई कोलाई है, क्लाइमेटेड ट्रैकोमेटस है, निजेरिया गनोरिया ही है। ठीक हो गया, तो ये इनके डिफरेंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। तो कौन सा बैक्टीरिया जिसकी ट्रांसमिशन रुक जाती है हैंड वॉशिंग से? तो यहाँ पर एग्जांपल आती है स्टाफिलोकोकस ओरियस की, जो डायरेक्टली फैल सकता होता है और हैंड वॉशिंग करने से हम इसके चेन ऑफ ट्रांसमिशन को इंटरप्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कि जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है इसमें ऑर्गेनिज्म मदर टू फीटस या न्यू बॉर्न चिल्ड्रन में आ सकता है। तो इन्फेक्शन कौन सा वर्टिकली ट्रांसमिट हो सकता है? पहले क्लाइमेटेड ट्रैकोमेटस, क्लाइमेटेड ट्रैकोमेटस हमने वहां पर पढ़ा था। क्लाइमेटेड ट्रैकोमेटस एग्जांपल में लिखा नहीं है, लेकिन वो क्लाइमेटेड ट्रैकोमेटस है। जिस तरह गनोरिया होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल जाता है, वो भी इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, तो जो क्लाइमेटेड ट्रैकोमेटस है वो भी डायरेक्टली फैल सकता होता है। अगर हम एग्जांपल को पढ़ लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन है। फोमाइट्स क्या होती है? फोमाइट्स इन एनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लाइक टॉवल्स होती है, वो भी आगे ट्रांसमिट वगैरह कर देती है। ठीक है, ओके, जबकि यहाँ पर जो ट्रिपोनिमा पैलिडम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस है, ये आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक हो गया, जो टिक से ट्रांसफर होता है तो वो लाइम डिजीज है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है, एलिशियोसिस है, रिलैप्सिंग फीवर और टुलरीमिया होता है। इसमें जो लाइम डिजीज है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। जो टिक्स होती है स्पेसिफिकली डियर टिक होती है, वो तीन इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रांसमिट करती है, लाइक लाइम डिजीज है, एलिशियोसिस है और बेबीसियोसिस है। जबकि जो डॉग टिक है वो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, टुलरीमिया, एलिशियोसिस है ना, प्लाज्मा और टिक पैरालिसिस वगैरह करवा देती है। अगर बैक्टीरिया और वायरसेस मदर टू ऑफस्प्रिंग में फैलते हैं तो उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो ट्रांसमिशन होती है उनको हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन बोलते हैं। ओके, जो एनिमल होते हैं कभी कभार वो ऑर्गेनिज्म का सोर्स होते हैं, तो इस केस में उनको रिजर्वायर बोलते हैं, या कभी कभार वो ट्रांसमिट भी कर देते हैं तो उनको वेक्टर बोलते हैं। और ऐसे डिजीज जिनके अंदर एनिमल रिजर्वायर हो तो उनको जूनोसिस बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द सेल्स इन्वॉल्व्ड विद पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन आर न्यूट्रोफिल, जबकि ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के अंदर मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल होते हैं। तो कौन सी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करवाता होता है? तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ये किस जगह पे लिखा है? जब आप इन्फ्लेमेशन वाले टॉपिक की तरफ आओगे ना, यानी इन्वेजन है, इन्वेजन के अंदर एंजाइम्स है, फिर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन पायोजेनिक और ग्रैनुलोमेटस होती है। पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंट होते हैं और जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको टेबल 7.8 में लिखा हुआ है। ओके, तो जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है,
और इस टेबल में आपको विरुलेंस फैक्टर वगैरह भी मिल जाएंगे, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का विरुलेंस फैक्टर पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है यानी ग्राम पॉजिटिव है, स्टाफिलोकोकस ओरियस का प्रोटीन ए होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का एम प्रोटीन होती है, नेजेरिया मेनिनजाइटिस का पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है, बैसिलस का पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल है, ग्राम नेगेटिव रॉट में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का पॉलीसेक्राइड है, क्लेब्सिला का भी पॉलीसेक्राइड है, ई कोलाई का प्रोटीन पिलाई होता है, साल्मोनेला टाइफी का पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है और यर्सिनिया पेस्टिस का वी एंड डब्ल्यू प्रोटीन होती है। ओके ठीक हो गया, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ यानी कौन से प्रोटीन होती है, सॉरी एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन की प्रॉपर्टीज को कहाँ से पे मैच किया हुआ है, तो एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे सही तरह मैच हुई हुई है, तो जो एक्सोटॉक्सिन होती है पॉलीपेप्टाइड है जबकि एंडोटॉक्सिन वो लाइपोपॉलीसेकेराइड होते हैं, तो हम इनके टेबल वगैरह को कवर कर लेते हैं। तो जो इनका टेबल होता है एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन का फर्क है, एग्जाम में कभी कभार आ जाता है, तो उसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। जो एंडोटॉक्सिन होती है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, सॉरी एक्सोटॉक्सिन दोनों में होती है, जो एंडो होती है सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होती है, जो एक्सोटॉक्सिन है इनकी सिक्रेशन होती है, एंडोटॉक्सिन की सिक्रेशन नहीं होती, जो एक्सोटॉक्सिन है इनकी नेचर पॉलीपेप्टाइड होती है, एंडोटॉक्सिन की लाइपोपॉलीसेकेराइड होती है, एक्सोटॉक्सिन के जो जीन होते हैं प्लाज्मिड के ऊपर या बैक्टीरियोफेज दोनों के ऊपर पड़े होते हैं, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन के होते हैं वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हुए होते हैं। अब इनकी टॉक्सिटी ज्यादा होती है, इनके क्लिनिकल इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, मोड इफेक्शन में बहुत सारे होते हैं, जबकि इनके ऐसा नहीं होता, एंटीजेनिसिटी इनकी हायर होती है और ये हाई टाइटर एंटीबॉडी को ड्यूस करते हैं जिसको एंटीटॉक्सिन बोलते हैं, ये पुअरली एंटीजेनिक होते हैं, ये वैक्सीन के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं ठीक है, जबकि वो वैक्सीन नहीं बना सकते। हीट स्टेबिलिटी 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन ये स्टेबल होते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी, लेकिन वो स्टाफिलोकोकस एंटीटॉक्सिन है वो स्टेबल होता है। टिपिकल डिजीज में टेटनस बॉटुलिनम डिप्थीरिया है और यहाँ पे मेनिंजोकोक्सीमिया लिखा हुआ है। ओके कभी कभार एग्जाम में आ सकता है कि एटीपी राइबोसाइलेशन के अंदर कौन कौन से टॉक्सिन आते हैं, तो उसका मिमोनिक होता है बी सी डी ई ए बी सी डी, तो ए से एटीपी राइबोसाइलेशन, बी से आ जाएगा बॉडी डेटल पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, सी से कॉलरा है, डी से डिप्थीरिया और ई से ई कोलाई का हीट लेबल टॉक्सिन है। सुपर एंटीजन के अंदर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, स्टाफिलोकोकस का एंटीरोटॉक्सिन होता है और इथरोजेनिक टॉक्सिन होता है। प्रोटीएज में टेटनस है, बॉटुलिनम है, लेदर फैक्टर होता है, एंथ्रेस टॉक्सिन का और स्कॉल्ड स्किन टॉक्सिन होता है, लैसिथिनेस के अंदर अल्फा टॉक्सिन होता है, कोलेस्टोडियम परफिरिंजिस का ठीक है। जो एडीपी राइबोसाइलेशन तो हो जाती है, लेकिन अब राइबोसाइलेशन किसकी करते हैं, जो कॉलरा वाला है वो एडीपी राइबोसाइलेशन करता है जीएस की, ई कोलाई का भी सेम होता है मैकेनिज्म जीएस की होती है, बॉटुलिनम पर्ट्यूसिस जीआई की एडीपी राइबोसाइलेशन करता है और बैसिलस एंथ्रेक्सिस के केस में वो जो टॉक्सिन होता है स्पेसिफिकली एडीमा फैक्टर वो एडीनालेट साइक्लेज होता है, और ये सारे टॉक्सिन साइक्लिक केएमपी के लेवल को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कॉन्सिस्ट ऑफ बैक्टीरिया बोथ ऑफ विच प्रोड्यूसिंग एक्सोटॉक्सिन दैट इंक्रीजेस साइक्लिक केएमपी है, तो आपको मैंने सारा बता दिया था ये वाला, तो जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई और स्टाफिलोकोकस ओरियस है ये साइक्लिक केएमपी को ई कोलाई और बॉडी टेला पर्ट्यूसिस है ये करवा देते हैं ठीक है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखते हैं विब्रियो कॉलरा और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई है, जो विब्रियो कॉलरा होता है वो विब्रियो कॉलरा एडीपी राइबोसाइलेशन तो करता है, लेकिन जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई है वो एडीपी राइबोसाइलेशन करता है एलोंगेशन फैक्टर टू की ठीक है। दूसरा जो है कोलेस्टोडियम परफिरिंजिस है वो अल्फा टॉक्सिन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का जो टॉक्सिन होता है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का स्कारलेट फीवर वाला, और वो सुपर एंटीजन होता है ठीक है, किस में आता है सुपर एंटीजन वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा एडीपी राइबोसाइलेशन कराता है, तो एडीपी राइबोसाइलेशन के लिए ए बी सी डी वाला मिमोनिक आप तैयार कर लेना, तो ये अल्फा ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो एसिटाइल कोलीन को क्लीव कर देता है, तो वो एग्जांपल आती है कोलिस्टिडियम बॉटुलिनम के अंदर ठीक हो गया। ओके इसके बाद है 8, एब्डोमिनल पेन है, एपेंडिसाइटिस है, तो फीवर और हाइपोटेंशन का कौन होता है, तो एंडोटॉक्सिन होते हैं जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को रिलीज करवा देते हैं। 9th के अंदर के बायोटेक कंपनीज है, इन्होंने स्पॉन्सर किया ड्रग को जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ठीक है, तो किस बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, साफ सी बात है कि जो एंडोटॉक्सिन होते हैं ग्राम नेगेटिव के अंदर होते हैं, तो यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो ई कोलाई और नेजेरिया मेनिनजाइटिस है। एंडोटॉक्सिन के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है, तो जो एंडोटॉक्सिन होता है ये फीवर और हाइपोटेंशन करवाता है, किस तरह से इंटरल्यूकिन और ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को रिलीज करवा देता है। अगर हम इसकी पैथोलॉजी देखते हैं तो जो एक्सोटॉक्सिन का लिपिड ए है मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करता है, जब वो टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करेगा तो एक कोगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करा के डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन करवा देगा, जब एक कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है तो C3A की एक्टिवेशन की वजह से हाइपोटेंशन एडिमा होगा, C5A की वजह से न्यूट्रोफिल की केमोटैक्सिस होती है, जबकि मैक्रोफेज की एक्टिवेशन की वजह से मीडिएटर रिलीज होती है। NO करवाता है हाइपोटेंशन, इंटरल्यूकिन वन फीवर और TNF की फीवर और हाइपोटेंशन करवाता है। एग्जाम में कभी कभार TNF के हार्मफुल और बेनिफिशियल इफेक्ट भी पूछे जाते हैं,
तो बेनिफिशियल इफेक्ट में इन्फ्लेमेशन करवाता है, न्यूट्रोफिल की अडहियन करवाता है, ओके, माइक्रो बाइसाइडल एक्टिविटी को बढ़ा देता है, MSC1 और 2 की एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। लेकिन हार्मफुल इफेक्ट के अंदर सेप्टिक शॉक है, जिसमें हाइपोटेंशन, फीवर है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कागुलेशन है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं होस्ट डिफेंस वाले चैप्टर के अंदर। जो होस्ट डिफेंस है उसमें सिर्फ चार ही MCQ है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग द एक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन। तो एक्सोटॉक्सिन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? वो एंटीबॉडी होती है जो एक्सोटॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देती होती है। ठीक हो गया। ओके, तो एंटीबॉडी होती है जो एक्सोटॉक्सिन को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभार ये आ सकता है कि जो फेगोसाइटोसिस रिड्यूस हो जाती है, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो एग्जाम्पल बताओ, जैसे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ की। क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ के अंदर NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो मैक्रोफेजेस है वो H2O2 प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते। इसके बाद है चियाडिक हिगाशी सिंड्रोम। इसके अंदर एबनॉर्मल लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो एबनॉर्मल लाइसोसोमल ग्रैन्यूल फेगोसोम के साथ फ्यूज नहीं कर सकते। दैट इज वाई जो बैक्टीरिया जिसको आपने फेगोसाइटोसिस कर लिया है वो सर्वाइव करेगा। इसके अलावा अगर किसी के अंदर न्यूट्रोपिनिया होता है, यानी 500 माइक्रोलीटर से न्यूट्रोफिल कम हो जाते हैं, तो इस केस में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉमन होते हैं। स्प्लीनेक्टमी की वजह से क्या होता है, जो स्प्लीनेक्टमी करते हैं, तो स्प्लीनेक्टमी की वजह से जो फेगोसाइट और इम्यूनोग्लोबुलिन का सोर्स खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियम का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। लाइक स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया या नीज़ेरिया मेनिनजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया है स्प्लीनेक्टमाइज पेशेंट के अंदर सेप्सिस करवाता है, और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर सिकल सेल एनीमिया है और हेरिडिटरी एनीमिया होता है, तो वो अपने स्प्लीन को ऑटो इन्फॉक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्प्लीन का फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो स्प्लीन का फंक्शन खत्म हो जाएगा, वंस अगेन इन तीन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन काफी कॉमन हो जाएगा। डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट के अंदर भी इन्फेक्शन काफी ज्यादा कॉमन होता है। अब इसके अंदर होता यह है कि जो न्यूट्रोफिल का फंक्शन खराब हो जाता है जब हाइपरग्लाइसीमिया और एसिडोसिस होता है। ठीक है, दो स्पेसिफिक डिसऑर्डर जो डायबिटीज से एसोसिएटेड होते हैं वो है मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, जो कि सोडामोनास एरिजिनोसा करवाता है, और मोल्ड्स करवाते हैं म्यूकोर माइकोसिस। ठीक हो गया। इसके अलावा कम्युनिटी अक्वायर्ड नमोनिया, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया स्टेफिलोकोकस ओरियस करवाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि ईकोलाई और कैंडिडा एल्बाइकन करवाता है, इनके भी फैल जाते होते हैं। ठीक हो गया डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द स्किन इज कैरेक्टराइज बाय एरिथिमा। तो एरिथिमा कौन करवाता है? एरिथिमा हिस्टामिन करवाता है वेजोडायलेशन से। इसके बाद क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज है, तो मसला किस जगह पे होता है? NADPH ऑक्सीडेज के अंदर। ऑप्शनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ओके, तो अल्फा ऑप्शन बनता है। तो ये पार्ट, आई थिंक ये पार्ट 3 वीडियो है। ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को भी देख लेना, तो आपको बेसिक बैक्टीरियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो क्या ना, हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस के MCQs को, ड्रग्स को तो छोड़ देंगे किसी काम के नहीं है, वैक्सीन वाले को, स्टरीलाइजेशन वाले चैप्टर के MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।